हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ आपके सामने फिर और नया टॉपिक के साथ। इस टॉपिक में जो मैं बोलने वाला हूँ वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और ये तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, खास करके जो लोग कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी, फ्री फायर इस तरह का कोई भी गेम खेलता है, तो वो लोगों को ये ट्रिक्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरी देखे और जान जाइए ये कौन सी हेल्पफुल टॉपिक है। और इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आ गया हूँ मेरे मोबाइल के होम स्क्रीन पर। आप लोग जब भी कोई कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर पबजी वगैरह उस तरह का कोई गेम खेलते हैं, तो उस टाइम अगर कोई आपको कॉल करता है तो आपके फ़ोन में वो कॉल आकर आपके पूरे स्क्रीन को वो कैप्चर करके वो कॉल शो होता है। अगर आप तो उस टाइम आपके गेम से वो आपको निकल देता है और आपके सामने जो कॉल करता है उसका नंबर शो होता है, और उसी टाइम आपके मोबाइल में जो आप गेम खेल रहा है वो कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी या फिर फ्री फायर जो भी गेम हो, तो उस टाइम कोई एनिमी अगर आपके सामने है और आप किल करने के समय वो कॉल आ गया तो आप किल नहीं कर पा रहे हो, और अगर कोई एनिमी आपके सामने है वो आपको किल कर देंगे, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम कर देता है आपके। जब भी आप गेम खेलते हो तो ये कॉल आकर आपको बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाओगे? तो अगर आपके कोई फ़ोन आते हैं तो आप अगर आपके गेम खेलने के समय कोई पॉपअप करके शो होते हैं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी उस टाइम। तो वो कैसे करें? तो ये है मेरा सैमसंग का मोबाइल। तो इस मोबाइल में मैं वो ट्रिक दिखाऊंगा कि आपके जब भी आपके गेम खेलने के समय कोई कॉल आते हैं तो वो पूरी होम स्क्रीन को कैप्चर ना करे, उस प्रॉब्लम से आप छुटकारा कैसे पाओगे मैं दिखाऊंगा अभी। तो आप फोन कॉल के उस ऑप्शन पे जाके उसमें आप ऊपर देखेंगे थ्री डॉट करके, उसमें आप क्लिक करोगे तो उस टाइम उसमें आप सेटिंग ऑप्शन पर चले जाएंगे। तो सेटिंग ऑप्शन पे चले जाने के बाद आप इसमें कॉल पॉपअप इस ऑप्शन इसमें ऑफ रहेगा, आप इसको ऑन कर देंगे। तो जब भी आप गेम खेलेंगे तो आपके सामने गेम खेलने के टाइम इस तरह से आपके मोबाइल के स्क्रीन पर ऊपर पॉपअप करके सिर्फ कॉल शो होगी। उस कॉल अगर आपको ज़रूरत है तो उस कॉल को आप आंसर रिसीव करोगे, और अगर ज़रूरत नहीं तो वो कट कर दोगे, तो आपके गेम खेलने के टाइम वो कॉल कट हो जाएगा और आप जो गेम खेल रहे हो वो गेम भी आप खेल सकते हो बिना किसी रुकावट के। तो ये ट्रिक बहुत ही हेल्पफुल होगी जो लोग कॉल ऑफ ड्यूटी इस तरह का, पबजी इस तरह का कोई गेम खेलते हैं। तो ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर करें आपके फ्रेंड के साथ ताकि आपको फ्रेंड को भी ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए। और इस वीडियो को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। इसके साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नया कोई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।